डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द डायस, देवियों और सज्जनों, मुझे कोई 8-10 दिन पहले बख्शी साहब ने कहा था कि ऐसे ऐसे पुस्तक का विमोचन होने वाला है जो कि मधु जी के द्वारा लिखी गई है। तो मैंने जब उस पुस्तक का सब्जेक्ट सुना तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा इसके लिए, और अगर आज मुझे डायस पे नहीं भी बुलाया जाता तो मैं आप लोग के बीच में बैठ के सुनता, क्योंकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। तो देवियों और सज्जनों, मधु जी ने एक कर्मा की बात की। इन्होंने कहा कि जिन लोगों जो ये षड्यंत्रकारी थे वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और मेरा भी ये थ्योरी ऑफ कर्मा पे बहुत विश्वास है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये सांबा और कठुआ का जो इलाका है वहाँ के लोग जो हैं वो चरित्र से इतने मजबूत हैं, इतने सीधे साधे, इतने चरित्र से मजबूत लोग कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। मैं जैसा कहता हूं कि मधु जी, इट इज ऑर्डेंड, जैसे ये आपके कर्मों के हिस्से में था कि आपने एक ये पुस्तक लिखी, और जब कहीं जो जिस परमात्मा ने आपको प्रेरणा दी है लिखने के लिए, वही परमात्मा के लिए आप उनके लिए एक तरह का ईश्वरीय रूप लेके आए हो यहाँ पे। देखिए, जब कोई बदलाव होता है ना, तो बदलाव ऐसे नहीं होता है कि सब कुछ अचानक हो गया, जज साहब लोगों ने एक बोलाई सब खारिज करो, सब एवरीथिंग इज ओवर, वो नहीं होता। ऊपर वाला ऐसे कुछ लोगों को भेजता है जिसके जरिए जो पीड़ित है उसका निजात होता है। तो देवियों और सज्जनों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी तरफ से इस पुस्तक को जहाँ तक हो सकेगा मैं इसको फैलाऊँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।